हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शांत एजुकेशन। और मैं वीडियो लाया हूँ आपको एक शानदार वैकेंसी के बारे में बताने के लिए, जो कि आई है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL की तरफ से। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं और अप्लाई कैसे करना है ये भी बताऊँगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। इसमें जो बोर्ड का नाम है वो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। पोस्ट जो होंगी इसमें असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें दो पोस्ट होंगी। इसमें वैकेंसी की बात करें तो टोटल 17 वैकेंसीज हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 तारीख 10वां महीना 2022, ठीक है। तो असिस्टेंट जो है उसमें टोटल 10 पोस्ट होंगी, ठीक है, और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जो है उसमें टोटल 7 पोस्ट होंगी। यहाँ पे मिस्टेक से 6 हो गया, 7 पोस्ट होंगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें से SC ST वालों के लिए मैक्सिमम 31 होगी और OBC वालों के लिए 29 होगी। मीन्स एज रिलैक्सेशन आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, लास्ट डेट जो है वो 1 तारीख 10वां महीना होगी और ये जो एप्लीकेशन है ये आई थी 10 तारीख को। तो 10/9 से 1/10 अप्लाई करने की डेट्स हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो असिस्टेंट के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो आर्ट्स में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी में भी किया हो, फर्स्ट क्लास। और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जो है उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो आर्ट्स में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, फर्स्ट क्लास, ठीक है। साथ ही में जो है मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वर्ड्स की 80, ठीक है, और इंग्लिश में स्टेनोग्राफी, और साथ ही में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें असिस्टेंट की जो सैलरी है वो 25,000 से 81,000 के बीच होगी और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो सैलरी है वो 25,000 से 81,000, मीन्स दोनों की सेम ही है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसमें वो नॉन रिफंडेबल होगी, आपकी 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होगी, ठीक है। और ये आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, NEFT, वॉलेट, जिससे भी आप करना चाहें, और या फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं चालान के द्वारा SBI ब्रांच के। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 2 तारीख 10वां महीना रहेगी और चालान के लिए जो है लास्ट डेट 6 तारीख 10वां महीना रहेगी। अब अप्लाई कैसे करना है ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा PRL की। वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल एंटर करेंगे, जैसे आपका नेम, email ID, फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपको आपकी email ID और फ़ोन नंबर पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स भरनी है और कम्युनिकेशन डिटेल्स करेक्टली। फिर उसके बाद में फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। देन वेरीफाई करना है जो भी डिटेल आपने की है वो करेक्ट है। और उसके बाद में आपको आगे प्रोसीड करना है एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, और इसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये जो सारी मेन डिटेल थी इस वैकेंसी रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इसमें इंटरेस्टेड हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वैकेंसी के साथ। थैंक यू।